जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मित्र, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है यहाँ पर Mi 10i, Redmi Note 10s और Redmi Note 10T। जी हाँ दोस्तों, ये तीन स्मार्टफोन है, इनके डिवाइस के अंदर न्यू अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि अगले जो अपडेट्स है वो कब तक देखने को मिलेंगे, किन डिवाइस का MIUI 12.5 इनहांस अपडेट मिलने वाला है। वैसे तीनों डिवाइसेज MIUI 12.5 इनहांस का ही वेट कर रहे हैं, तो कब तक देखने को मिलेगा मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। वीडियो में एंड तक जरूर बनेगा, वीडियो से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पर सबसे पहले Mi 10i से। जी हाँ दोस्तों, जो Xiaomi का Mi 10i है, जो फ्लैगशिप सीरीज के जो स्मार्टफोन होते हैं Mi सीरीज के, उनके अंदर अभी तक जो ये Mi 10i है, इसके अंदर अभी तक जो MIUI 12.5.2.0 अभी रन कर रहा होगा, इसके अंदर अभी तक MIUI 12.5 इनहांस अपडेट रिलीज नहीं हुआ है। और मैं आपसे बता दूं, जो MIUI 12.5.2.0 जो ये अपडेट रिलीज हुआ था, इसके लिए 15 सितंबर के आसपास से रिलीज हुआ था, जिसके अंदर एक नॉर्मल सिक्योरिटी पैच का अपडेट देखने को मिला था Mi 10i के अंदर। अब रही बात यूजर जो पूछ रहे हैं मुझसे कि Mi 10i के अंदर MIUI 12.5 इनहांस अपडेट कब देखने को मिलेगा, तो मैं आपसे भी बता दूं, जितने भी यहाँ पर Mi 10i यूजर है उनके लिए, जो ग्लोबल वाले जो यूजर है, ग्लोबल वाले यूजर्स के लिए यहाँ पर 22 तारीख को एक न्यू अपडेट रिलीज हो गया था Mi 10i के लिए ग्लोबल साइड में, जो कि था MIUI 12.5.3.0, जो कि एक इनहांस अपडेट था, ठीक है। उसके अंदर अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट प्रोवाइड करा गया था, जो ग्लोबल साइड में अपडेट रिलीज हुआ है। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर इसके स्क्रीनशॉट शेयर करे थे कि Mi 10i के अंदर ग्लोबल साइड में अपडेट रिलीज हो चुका है MIUI 12.5 इनहांस का। अब रही बात इंडिया के अंदर कब देखने को मिलेगा, जितने भी इंडियन यूजर है Mi 10i के, उनको कम से कम यहाँ पर नवंबर एंड तक का वेट कर रहे हैं। नवंबर एंड तक एक अपडेट तो जरूर रिलीज हो ही जाएगा, क्योंकि ग्लोबल में अपडेट रिलीज होने के बाद यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लगता अपडेट आने में इंडिया में। तो ग्लोबल में अपडेट रिलीज हो चुका है, ग्लोबल में अपडेट रिलीज होने के बाद नवंबर एंड तक वेट कर रहे हैं। नवंबर एंड होने से पहले पहले Mi 10i के अंदर MIUI 12.5 इनहांस अपडेट रिलीज कर दिया जाएगा। सबसे पहले अपडेट Mi पर रिलीज होगा और 1 आवर के लिए अपडेट रिलीज होगा। अगर आप लोग अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको यहाँ पर वीडियो देखने को मिल जाएगी जब अपडेट आएगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन जो कि है Redmi Note 10s। इसके लिए भी मेरे पास कमेंट आया कि Redmi Note 10s के अंदर अभी तक अपडेट देखने को नहीं मिला है, तो मैं बता दूं Redmi Note 10s के लिए जो लास्ट अपडेट रिलीज हुआ था वो 25 अगस्त के दिन रिलीज हुआ था। अगर आप लोग Redmi Note 10s यूजर है तो आपसे पता होगा, जो कि आपके डिवाइस में MIUI 12.5.7.0 अपडेट चल रहा होगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो MIUI 12.5.7.0 अपडेट Redmi Note 10s के अंदर चल रहा है, जिसमें यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पैच का अपडेट देखने को मिला, जो कि यहाँ पर 25 अगस्त में रिलीज हुआ था। अब रही बात नेक्स्ट अपडेट कब देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको कम से कम नवंबर एंड तक ही वेट करना पड़ेगा। नवंबर एंड के अंदर ही न्यू अपडेट देखने को मिलेगा, उससे पहले कोई भी चांस नहीं है कि एक अपडेट देखने को मिले। आप सभी को लोगों को यहाँ पर 25 नवंबर तक वेट करना पड़ेगा, 25 नवंबर से पहले पहले या 24 नवंबर या 25 नवंबर या 26 नवंबर, इन 3 दिनों के अंदर अंदर कोई एक अपडेट रिलीज हो जाएगा आप सभी के लिए। और बहुत ज्यादा चांसेस है Redmi Note 10s के अंदर आप सभी को MIUI 12.5 इनहांस अपडेट रिलीज करा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो अगला अपडेट बनता है ना वो आपके लिए MIUI 12.5 इनहांस अपडेट ही बनता है। और जो अगला वर्जन आप सभी को देखने को मिलेगा MIUI 12.5.8.0 अपडेट रिलीज होगा। तो आप लोगों ने बस ये काम करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही अपडेट आएगा वहां पर आपको नोटिफिकेशन, स्क्रीनशॉट और लिंक्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले डिवाइस की तरफ, जो कि है यहाँ पर Redmi Note 10T। जी हाँ दोस्तों, Redmi Note 10T जो 5G जो स्मार्टफोन है इंडिया के अंदर ऑलरेडी ये लॉन्च है, इसके अंदर जो अभी वर्जन चल रहा है MIUI 12.5.0.5.0। जी हाँ दोस्तों, अभी भी इसके अंदर MIUI 12.5 देखने को नहीं मिला है, जो कि एक सोचने वाली बात है कि Redmi Note 10T 5G के अंदर अभी भी यहाँ पर MIUI 12.5 का अपडेट नहीं मिला है। अब यूजर सोच रहे हैं इनको अगला अपडेट कब देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर MIUI 12.5 अपडेट आया नहीं है। इसके लिए जो अपडेट रिलीज हुआ था MIUI 12.0.5.0, जो कि यहाँ पर 24 अगस्त को रिलीज हुआ था। अब जो अगला अपडेट आपसे भी लगभग 24 नवंबर से लेके यहाँ पर 27 नवंबर के बीच में एक अपडेट रिलीज हो जाएगा। अब रही बात इनको MIUI 12.5 मिलेगा कि MIUI 12.5 इनहांस अपडेट देखने को मिलेगा, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पर आपको MIUI 12.5 इनहांस अपडेट डायरेक्ट दे दी जाए, क्योंकि अब Xiaomi को MIUI 13 के ऊपर भी काम करना है और नवंबर के मंथ के अंदर ही यहाँ पर MIUI 13 की चाइना के अंदर लॉन्चिंग भी है। तो आपको कम से कम मेरे को जहां तक लग रहा है, जो आपसे भी जो अपडेट है MIUI 12.5 इनहांस अपडेट ही रिलीज होगा Redmi Note 10T 5G जिसके लिए, तो आप लोग वेट करिए, नवंबर एंड तक आपको अपडेट जरूर देखने को मिल जाएगा। मैंने जितने भी डिवाइस बताए हैं Mi 10i, Redmi Note 10s और Redmi Note 10T, ये जो तीनों डिवाइस है इनको नवंबर के मंथ में ही अपडेट मिलना है। नवंबर एंड तक वेट कर लो, न्यू अपडेट रिलीज हो जाएगा आप सभी के लिए। और तीनों जितने भी यूजर है, जो भी इन तीनों में से कोई डिवाइस यूज करते हैं, जो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको अपडेट देखने को मिल जाएगी यहाँ पर, और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले टेलीग्राम के ऊपर ही देखने को मिलेगा, तो ज्वाइन जरूर कर लेना। तो बताना नीचे कमेंट बॉक्स में आप तीनों डिवाइस में से कौन सा डिवाइस यूज करते हो, तो बताना जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।